ठीक है। हेलो, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम लोग पजल्स के जो स्पोर्ट्स और गेम्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं, राइट। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग यूट्यूब पे इसको देख सकें। ऑल राइट, तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास और इसको कैसे करना है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, है ना। और मुझे लगता है चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने से थोड़ा आपको एग्ज़ाम की फील मिलेगी कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कैसे आप इसको करोगे, राइट। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी। सिक्स फ्रेंड्स, सिक्स प्लेयर्स, नेमली A1, B2, C3, D4, E5, F6, अलग अलग कंट्रीज से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और सब लोग अलग अलग रन्स बना रहे हैं। ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट रन्स, 35, 50, 70, 85 एंड सो ऑन, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इतनी बात पढ़ते के साथ मैंने तुम्हें एक बात बार बार एम्फोसाइज की है कि कभी भी जब आप इस तरह क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे तो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए कुछ इस तरीके की एटीट्यूड और अप्रोच रखना है कि आपको उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसी की कोशिश करूँगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना शुरू करूँगा। जैसे मेरे पास प्लेयर्स के नाम है, ठीक है, यहाँ मैंने प्लेयर्स का नाम लिख देना है, ठीक है। ये किस कंट्री से हैं ये यहाँ पे लिख देना है, राइट। आई विल राइट द नेम ऑफ द कंट्री, और इन्होंने रन कितना बनाया ये यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। समझने की बात ये है, हमारे पास प्लेयर्स तो 6 हैं बट मैं कंट्रीज देखता हूँ तो कंट्रीज हमारे पास 4 हैं, यानी कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो सेम कंट्री से रिप्रेजेंट, सेम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये बात आई एम श्योर आप ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, मैं करके बता रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ देख सकते हैं। क्लास के बाद ये नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने प्लेयर्स का नाम लिख दिया, जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको यहाँ लेके रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। अगर एक से अधिक इन्फॉर्मेशन बन रही हो, एक से अधिक केसेस बन रहे होंगे, तो हम लोग अकॉर्डिंगली दो टेबल्स बना करके चेक करेंगे। हो सकता है दो से भी ज़्यादा बन रहे हो, तो देखेंगे, विल सी दैट, ओके। आइए देखते हैं, फिलहाल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। C3 बिलोंग्स टू इंडिया, ये बड़ी अच्छी बात होती है, राइट। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया रहती है, C3 बिलोंग्स टू इंडिया एंड स्कोर्स 15 रन मोर देन E5 हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। बहुत बढ़िया, E5 जो कि इंग्लैंड से है, इससे 15 रन ये ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखूँ, इसमें मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना लिखूँगा कि इसने जो भी रन बनाया इससे 15 रन मैंने एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है। आई वुड लाइक टू राइट इट लाइक दिस, दैट्स ऑल। आगे बढ़ के देखते हैं। वन ऑफ द प्लेयर्स हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया स्कोर्स 20 रन मोर देन C3, ओके। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है वो इंडिया के इस खिलाड़ी से 20 रन एक्स्ट्रा बनाएगा। अभी मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं इसमें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि C3 + 20 इज़ इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, अच्छा वन ऑफ द प्लेयर्स बोला है इन्होंने, है ना, वन ऑफ द प्लेयर्स हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से शायद मुझे ये बात भी समझ में आती है कि ऑस्ट्रेलिया से एक से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, राइट। तो मैं इसको ऑस्ट्रेलिया 1 लिखूंगा, ठीक है। मैं इस इंफॉर्मेशन से इस बात पे आता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मोर देन 1 प्लेयर्स हैं, राइट। दैट इज व्हाट आई डिड्यूस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। D4 बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है, हमें यहाँ पाकिस्तान का प्लेयर एक पता लग रहा है। D4 स्कोर्स मोर रन्स देन बोथ द प्लेयर्स हु बिलोंग टू इंडिया, ओके। यानी इंडिया के हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, ये बात यहाँ से पता लगती है। और इंडिया के दोनों खिलाड़ी से ज़्यादा कौन स्कोर कर रहा है, ये पाकिस्तान का D4 स्कोर कर रहा है। चलो ठीक है, फाइन, दैट इज़ ओके। सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन, ओके। F6 हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ओके। F6 हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ये रहा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। इनके बारे में इन्होंने क्या कहा कि F6 हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया स्कोर्स एटलीस्ट 30 रन्स मोर देन दी अदर प्लेयर हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ओके। यानी देखो, ऑस्ट्रेलिया से भी 2 खिलाड़ी हैं, ये वाली बात पता लग जाती है। और
एक इंफॉर्मेशन क्या दिया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी हैं उसमें से एक F6 है, राइट, एक F6 है, और ये क्या कर रहा है, ही स्कोर्स एटलीस्ट 30 रन्स मोर, राइट, यानी कि F6 माइनस ऑस्ट्रेलिया 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 30। मैं हर इंफॉर्मेशन को जो भी चीज़ पढ़ता हूँ मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से पढ़ूँ कि उसमें कोई दोबारा मुझे पढ़ना ना पड़े, ठीक है। दैट इज़ दी ओनली एफर्ट डेट आई वॉन्ट टू ट्राई वेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। ऑल राइट, डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाई B2 एंड E5 इज मिनिमम 25। यानी क्या मतलब है कि B2 माइनस E5 ये जो नंबर है ये मिनिमम 25 है। अब देखो B2 और E5 हो सकता है B2 माइनस E5 हो क्योंकि डिफरेंस है ना, या फिर E5 माइनस B2 है, हमें नहीं मालूम। इनमें से दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ये बात समझने की है, ठीक है। B2 डज नॉट बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, B2 ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। देखो अब एक बात तो बड़ी क्लियर हो रही है बेटा, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है और इंडिया के दो खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सर्टेनिटी से ये बात कह देंगे कि ये इंडिया का है और ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्लियर तो होती जा रही है, राइट। कंट्रीज तो हमें सबके ही पता लग चुके हैं, अब सिर्फ रन्स को हमें देखना है कैसे सेट करेंगे। सम ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाई बोथ द प्लेयर्स हु बिलोंग टू इंडिया इज नॉट 135। इंडिया के दो खिलाड़ी कौन है, A1 प्लस C3, तो इन्होंने बोला कि A1 प्लस C3 इज नॉट इक्वल टू 135। बातें समझ में आ रही हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और इसके बाद अब हमें देखना है क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चों, राइट। प्रशांत योर हैंड इज अप, कुछ पूछना है बताओ। एक्सक्यूज मी सर, ये ए, तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के दो, इंडिया के दो खिलाड़ी थे ना, आई एम सॉरी, इंडिया के दो खिलाड़ी हमारे पास कौन कौन थे, B2 एंड C3, राइट, इट इज B2 एंड C3। सर B2 और C3 होंगे ना, हाँ B2 और C3 हो जाएंगे बेटा, ठीक है, दिस विल बी B2 प्लस C3। तो ये हमारे पास B2 प्लस C3 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 135, बहुत बढ़िया। अब देखो अब इसके आगे रन के बारे में हमें किसी की भी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कंट्रीज का तो एग्जैक्ट पता लग गया कौन सा प्लेयर किस कंट्री से है, लेकिन रन का एग्जैक्टली अभी तक कुछ ऐसा कंसिस्टेंट वाला नहीं पता लगा है। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से हमें शुरू करना चाहिए कि ये जो इनका डिफरेंस है 15 है, तो देखते हैं ज़रा 15 डिफरेंस वाले कौन कौन से हैं। एक तो 35 और 50 दिखता है मुझे 15, दूसरा मुझे 85 और 70 दिखता है। हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो बेटा। हाँ सर, हम इसको जो हमारा इंग्लैंड और इंडिया वाला है, हाँ सीटी लिया है इंडिया। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आती है इंडिया और इंग्लैंड के लिए, स्पेशली C3 और E5 के लिए। आई हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि इंडिया अगर 50 है तो इंग्लैंड 35 पे है, और इंडिया अगर हमारा 85 पे है तो इंग्लैंड 70 पे है, ठीक है। ये दो बातें हम यहाँ से कह सकते हैं, और कुछ खास यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं निकल के आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग कलर से लेके चल रहा हूँ, राइट। मैं ये E5 और ये इसको इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटी है इसको दो अलग कलर से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, पॉसिबल ऑप्शंस हैं। बच्चों अपना फोन म्यूट पे रखो, राइट, अपने आप को म्यूट पे रखिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको मैं बाद में यूट्यूब पे शेयर करूंगा, ठीक है। प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। तो कंडीशन नंबर 1 कि ये हमारे पास 50 है और इंग्लैंड वाला जो है ये 35 है। कंडीशन नंबर 2 कि हमारे पास दूसरा जो 15 का डिफरेंस दिख रहा है वो 85 और 70 में दिख रहा है, तो ये अगर 85 है तो ये 70 होगा, और कहीं 15 का डिफरेंस तो नहीं दिखता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात तो हमें क्लियर होती है कि ये दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलना पड़ेगा, कहीं कुछ वायलेट करेगा तो उसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे, उसको हटाएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये देखने की ज़रूरत है और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने कहा था कि C3 प्लस 20 इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी, क्या इन्होंने कहा था क्या? ऑस्ट्रेलिया के हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी है ये नहीं पता है। अच्छा किसी ने आंसर दे दिया, लूसिफर ने,
50, 35. चलो देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं, चेक करते हैं. राइट, दैट्स वेरी गुड. तो यहां देखेंगे F6 माइनस ऑस्ट्रेलिया 2 इज ग्रेटर देन 30, और C3 का स्कोर हमारे पास या तो 50 है या 85 है. इसमें अगर 20 जोड़ते हैं तो हमारे पास 20 जोड़ने पे 105 आता है ना. तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी, या तो ये 20 जोड़ेंगे तो या तो 70 आएगा, 70 भी हमारे पास है, और अगर 85 में 20 जोड़ते हैं तो 105 आता है, ये भी हमारे पास है. तो दोनों ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक खिलाड़ी है, अगर 50 वाला केस होगा तो उस केस में इसका 105 हो जाएगा. राइट, कितना है अभी नहीं पता. राइट, वी डोंट नो. और अगर दूसरे ही पॉसिबिलिटी हम लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो खिलाड़ी है वो 70 रन स्कोर करता है. ये खिलाड़ी कौन सा है, दिस इज नॉट अभी क्लियर, अभी तक ये क्लियर नहीं है. दूसरे बारे में इन्होंने ये कहा कि F6 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो दूसरा खिलाड़ी, यानी ऑस्ट्रेलिया जो पहला खिलाड़ी है, F6 का ही स्कोर ज्यादा है एज पर दिस. राइट, ये 30 रन से ज्यादा का डिफरेंस है, ऐसा इन्होंने कहा है. ठीक है, तो F6 का ही बड़ा वाला स्कोर होगा, यानी अगर 105 हुआ तब तो ये F6 का ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ठीक है बच्चों, अगर 105 हुआ तो ये सिर्फ ये हो सकता है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा खिलाड़ी है, इन्होंने कहा कि इससे कम से कम 30 रन ज्यादा बनाए इसने. ठीक है भाई, 30 रन ज्यादा बनाया यानी कि इसमें से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 75 आएगा. 75 से कम, 75 से कम 70, 50, 35 कुछ भी हो सकता है. राइट, 50 हालांकि इस केस में, इस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है. 105 अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, अभी हम सिर्फ इतना ही कह पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी है वो 35, राइट, मैं इस वाले केस में बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो 35 और 50 दो चीजें हो सकती हैं इसके लिए, दो चीजें संभव हैं इस ब्लैक वाले पॉसिबिलिटी में. ठीक है, ब्लैक वाले पॉसिबिलिटी में जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी A1 रह गया, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या तो 35 या फिर 50, क्योंकि बाकी सारे केसेस, 70 वाला केस जो है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर रखा है, देख रखा है. ठीक है बच्चों, ओके, और क्या कह सकते हैं भाई, और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है. इन्होंने कहा था कि B2 और E5, राइट, B2 और E5 में कम से कम 25 का अंतर है. B2 कितना था पता नहीं, E5 पता है क्या, हाँ E5 पता है. E5 कितना है, E5 हमारे पास 70. अच्छा, इंडिया के जो दो खिलाड़ी हैं इनका सम 135 नहीं है, तो अगर ये 50 है तो 135 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 135 होने के लिए इसको 85 होना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे इस केस में 85 नहीं आएगा. ठीक है, और इस केस में यहाँ पे 50 नहीं आएगा, ये वाली बात हमें सर्टेंटी से पता लगती है. ठीक है, दोनों ही केसेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. क्या नहीं आएगा उसके आगे क्रॉस लगा दे रहा हूँ, जो भी आएगा वहां हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं. ठीक है बच्चों, ओके, तो 50 यहाँ पे नहीं आएगा, 50 यहाँ आ सकता है, 35-50 में से कोई एक. पाकिस्तान का खिलाड़ी कहा था कि इंडिया के दोनों खिलाड़ी से ज्यादा स्कोर कर रहा है. अच्छा, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, 105 यहाँ पे आ चुका है, और अगर 85 वाला केस हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्कोर बचता है, वो है 95 का. राइट, इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक ही स्कोर बचता है 95 का, जो कि यहाँ पॉसिबल है. समझ रहे हो कि नहीं. राइट, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हमें मुझे दिखनी शुरू हो जाती हैं. क्या, कि ये हमारे पास 35 है, दिस इज 35. राइट, बिकॉज ये 50 हो नहीं सकता, तो 50 क्या होगा, 50 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का A1 ही होगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इंडिया का जो सेकंड खिलाड़ी है वो 35 हो जाएगा. अब एक बारी जरा सारी इन्फॉर्मेशन को फिर से चेक करेंगे कि क्या सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. ऑस्ट्रेलिया का जो हमारे पास फर्स्ट खिलाड़ी है वो 70-105, चलो यहाँ पे इस पॉसिबल केस में तो आ रहा है, इस केस में अभी हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस बन रहे थे जिसको अभी हमने नहीं इवैल्यूएट करा है, सिर्फ जो बातें जहाँ पता लगी हैं उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया. ठीक है, और C3 B2 ये हमने चेक कर लिया, कोई टेंशन नहीं है. F6 ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी जो है ये हाईएस्ट रन स्कोरर है, तो मैंने इसको हाईएस्ट रन दे दिया था यहाँ पे. ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, 70 हमारे पास हो गया. राइट, और B2 E5 और 25 का डिफरेंस है. B2 और E5, जरा B2 E5 को चेक करेंगे. B2 और E5 70
और 35, बिल्कुल सही है, राइट। डिफरेंस कितना है, 35 का, जो कि 25 से अधिक है, ये भी चलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इसमें फॉलो हो रही हैं, राइट। क्योंकि सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो अब इसके आगे मैं फर्दर इसमें हाथ पैर नहीं मारना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चंस। आओ ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। सो एक टेबल हमारे पास टेंटेटिव तैयार हो गया है, इसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को देखना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाई ए वन, ए वन ने कितना रन बनाया, क्या ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। कितना आंसर बोलूंगा? 50। ठीक है, ए वन ने कितना रन बनाया, ए वन ने 50 रन बनाए हैं, ये इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से हमें समझ में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन बी टू, बी टू से ज्यादा कितना लोगों ने स्कोर किया है? बी टू ने कितना स्कोर किया बेटा? बी टू ने 35 स्कोर किया। 35 तो मेरे ख्याल से मिनिमम था, टोटल हमारे पास 6 खिलाड़ी थे, तो बी टू ने कितने कितने लोगों ने बी टू से ज्यादा स्कोर किया है? बाकी 5 खिलाड़ी बी टू से ज्यादा स्कोर किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसका आंसर 5 बोलूंगा। आगे बढ़ के देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वट इज द सम ऑफ द रन स्कोर्ड बाई टू इंडियन प्लेयर्स, दो इंडियन प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किया है उसका योग कितना है? तो देखते हैं, ये हमारे पास था तो 90 और 30, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास सम? 120 हो रहा है। 85 और 35 को आपने जोड़ा, मैंने 5 यहाँ जोड़ करके 90 कर दिया था, 90 और 30 135 एक ही बात है, 120, तो 120 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जा रहा है? 120 हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने दिया, इसमें क्या दिया, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। ओके, ए वन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही, 70 रन, गलत। बी टू इंडिया, सही, 85, गलत। ई फाइव इंग्लैंड, सही, 35 रन, ना हमारा ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन सही है, राइट, तो 35 रन गलत बोलूंगा मैं। सी थ्री इंडिया 50, अरे ये तो सब कुछ ही गलत हो गया, क्या मार्क करूंगा मैं इसमें नन ऑफ दीज मार्क करूंगा, राइट। हमारा जो इसमें ब्लैक पॉसिबिलिटी है, हम उसको लेकर के चले थे और हमने देखा था कि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक बार एक क्रॉस चेक करना चाहो कर सकते हो, ए वन ऑस्ट्रेलिया सत्तर गलत, बी टू इंडिया 85 गलत, बी टू इंडिया 35 था, ई फाइव इंग्लैंड 35 गलत है ना। देखो ये कितने क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, थोड़ी भी अगर किसी ने चूक की तो वो गया। सी थ्री इंडिया 50 गलत, देखो ये भी कितना क्लोज था, राइट, 85 हिस्से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम नन ऑफ दीज मार्क करेंगे। पांचवें ऑप्शन पे आएंगे, पांचवा क्वेश्चन पे आएंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास और कैसे करना है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाई इंग्लैंड एंड पाकिस्तान प्लेयर, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इंग्लैंड का खिलाड़ी 70 रन बना रहा था और पाकिस्तान का खिलाड़ी 95 रन बना रहा था, तो स्कोर का अंतर कितना है भाई? 95 में से 70 गया तो कितना हो जाएगा आंसर? इट इज 25 रन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आंसर आएगा। मैं वीडियो पॉज पे लगा रहा हूँ,